हेलो पीएसपीओ गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम आप इस वीडियो में आपसे ये इस बात पे चर्चा करेंगे कि आईबीपीएस आरआरबी की जो वैकेंसीज आई हैं 16,560 वैकेंसीज आई हैं, उस एग्ज़ाम के लिए आप अभी से कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं और उस एग्ज़ाम के पूरी डिटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इन 6 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, वैकेंसीज़ की डिटेल पर चर्चा करेंगे, एग्जामिनेशन डेट्स कब कब हैं, एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल, सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का और प्रीवियस ईयर कट ऑफ और हाउ टू प्रिपेयर, उसकी तैयारी आप कैसे करो, इन 6 पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स टेक द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द वैकेंसीज़। टोटल वैकेंसीज 16,560 हैं, जिसमें जो शुरू की 2 ग्रेड हैं, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और आरआरबी ऑफिसर स्केल 1। इनके अंदर कोई भी जो ग्रेजुएट बंदा है, कोई भी जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वो स्टूडेंट इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। इन 2 ग्रेड्स के बारे में हम डिटेल में जाएंगे। बाकी ग्रेड्स के अंदर क्या है, ऑफिसर ग्रेड 2nd और 3rd के अंदर स्पेसिफाइड डिग्री मांगी हुई है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है इसके अंदर। ये जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन से ग्रेड के लिए कितनी चाहिए आपको, इसमें दिखाई गई है। तो ऑफिसर स्केल 1 में एज की अगर अपन पर बात करें तो 18 से 30 ईयर तक का, अगर आप एज के हों तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट में मिनिमम लिमिट वही 18 ईयर, मैक्सिमम लिमिट 28 ईयर है, 28 ईयर है। तो डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, डिग्री इन इज और इट्स इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखी है इन दोनों स्केल्स में, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिस असिस्टेंट, इन दोनों स्केल में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। 14 सेप्टेम्बर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, 30 सेप्टेम्बर तक भरे जाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद में नवंबर के अंदर 5 या 6 तारीख को ऑफिसर स्केल 1 की एग्ज़ाम हो जाएगी, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। उसके बाद में ऑफिस असिस्टेंट की 12, 13 और 19 नवंबर को प्रीलिमरी एग्ज़ाम हो जाएगी। इसमें इफ़ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, अगर प्रीलिमरी अभी तक नोटिफिकेशन में यही निकाला है कि प्रीलिमरी एग्ज़ाम होगी, अगर उन्हें लगा रिक्वायर्ड है, इतने ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं, 10-20 लाख ऐसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो ये इसकी प्रीलिमरी एग्ज़ाम करवाएंगे, नहीं तो इसकी प्रीलिम नहीं होगी, फिर डायरेक्टली मेन एग्ज़ाम होगी। इसलिए यहाँ पे इफ़ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम नवंबर में ही आ जाएगा, नवंबर दिसंबर में आ जाएगा दोनों एग्ज़ामों का। फिर दिसंबर के अंदर 11 और 18 तारीख को दोनों ग्रेड्स की मेंस एग्ज़ाम हो जाएंगी, उसी महीने में रिजल्ट आ जाएगा और आपको इंटरव्यू कॉल लेटर मिल जाएंगे। थोड़ा सा पैटर्न पे और चर्चा कर लेते हैं। प्रीलिमरी एग्जामिनेशन में कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रही है, यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रही है बस। 40-40 क्वेश्चन आएंगे दोनों सेक्शन के, 45 मिनट्स का आपको इसमें कंपोजिट टाइम मिलेगा। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा प्रीलिमरी, इस बात की टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है कि प्री एग्ज़ाम भी कर दिया, पहले तो एक ही होता था, इस बात का ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपके आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1, स्केल 1 में वही पुराना जो एक ही पेपर होता था अपना, सेम पैटर्न है, सभी सेक्शंस में 40-40 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 50-50 मार्क्स का होगा, जनरल और जो लैंग्वेज होगी वो 40-40 मार्क्स की होंगी, बाकी कंप्यूटर नॉलेज अपना 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में हर बार की तरह आप कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो। 2 घंटे का भाई जैसे पहले टाइम मिलता था कंपोजिट टाइम, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद में अपन डिटेल सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। रीजनिंग में सिलेबस ये है, सिटिंग अरेंजमेंट के 10 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ही टेबुलेशन से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, पजल से 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। पजल इसमें कम आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। कोडेड इनक्वलिटीज़ आएंगी मोस्ट प्रोबेबली, इन विदाउट कोडिंग के नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, तो कोडेड इनक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन, कोडेड के लिए तैयार रहिए आप। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, सिलोलिज्म के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ टॉपिक्स आगे मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ जिनमें से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी नहीं पूछ लेता, लेकिन आपको तैयार रहना है। पैटर्न्स बदल रहे हैं धीरे धीरे एग्जामिनेशन के, तो आपको इन टॉपिक्स के लिए भी तैयार रहना है। इसलिए मैं 3 या 4 टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट से लेके सिलोलिज्म तक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी की तैयारी करनी है। उसके बाद में आपको ये टॉपिक भी तैयार कर लेने हैं। तो इसमें डाटा सफिशियंसी, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डायरेक्शन सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। इनके अगर सिलेबस चेंज हो गया तो ये बहुत बड़ा एक पोर्शन कंटेन कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी आ गया तो 5 क्वेश्चन आगे, मान लो एक किसी भी एक चीज़ के आगे इनपुट आउटपुट आ गया 5 क्वेश्चन का, तो बहुत ज़्यादा वेटेज ले जाएंगे वो। अगर आपकी अच्छी तैयारी होंगे तो आप और उससे आगे निकल पाएंगे, इसलिए इन टॉपिक्स को भी तैयार करके चलिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का वही जो अपने अदर एग्ज़ाम्स के अंदर पोर्शन में सिलेबस रहता है, वही सेम इसके अंदर भी है।
तो सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन है 15 क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी 5 क्वेश्चन। इसमें बाकी तो सारा वही है अपना जो हर बार होता है, लेकिन हर एग्ज़ाम में होता है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इसमें से यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक RRB एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेरेटिव टू अदर एग्ज़ाम। जैसे PO के अंदर 1 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा हार्ड पड़ता है ये। लेकिन इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ेंगे, तो ये भी और टॉपिक्स की तरह आपको प्रैक्टिस करने के बाद आसान लगने लग जाएगा। तो इस टॉपिक पे इसमें स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको छोड़ना नहीं है। 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा सारा सिलेबस अपना जो बाकी एग्ज़ाम्स होती है उनकी तरह ही है। सिंपलीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस, मिक्सर एलिगेशन, CI SI, इन सभी सिक्वेंस सीरीज यहीं सब से आता है। जनरल अवेयरनेस, इस सेक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। जनरल अवेयरनेस का ये मैं फिर से बता देता हूँ, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट के लिए है। बाकी इसमें कुछ अलग फाइनेंस अवेयरनेस वगैरह भी मांगा गया है। इसके अंदर बैंकिंग अवेयरनेस 10 से 15 क्वेश्चन। बैंकिंग अवेयरनेस को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल बेसिक्स हैं उसके वही पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मार्केट्स कौन कौन से होते हैं, बैंक कितने टाइप के होते हैं, बैंक में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स की क्या फंक्शनिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़नी है। फुल फॉर्म्स पढ़नी है अलग अलग टेक्निकल टर्म्स की, वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। बैंकिंग करंट अवेयरनेस, इस बैंक के कुछ नया प्रोडक्ट निकला है, कुछ भी ऐसी न्यूज़ें हो सकती हैं, वहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। न्यू अपॉइंटमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी बिजनेस न्यूज़, 2 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी बिजनेस न्यूज़ का मतलब जैसे कोई बड़ी कंपनी है, उसने किसी दूसरी कंपनी को हायर कर लिया, कितने रुपए में हायर किया है, ऐसी न्यूज़ आप ज़्यादातर पढ़ने को मिलेंगी आपको करंट अफेयर्स में। तो वहाँ से यहाँ ये 2 क्वेश्चन आते हैं। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स का मतलब जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी G20 मीट में गए थे, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स महिला सांसदों का सम्मेलन हुआ था, ये सारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स में से 2 क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में एक स्पेशल चीज़ बताना, रियो ओलंपिक 2016 और रियो पैरा ओलंपिक 2016, यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो कुछ भी ना पढ़ो तो कम से कम वो 2 पॉइंट्स, उन दो जो ओलंपिक के बारे में, पैरा ओलंपिक और रियो ओलंपिक, उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर इंडिया के संदर्भ में पढ़िएगा, पूरा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज़ें इंडिया से संबंधित है वो पढ़ लीजिएगा, और कुछ जो खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा बनाए हैं, किसी खिलाड़ी ने 5-6 गोल्ड जीत लिए हैं, ऐसे खिलाड़ियों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, थोड़े दिन पहले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड घोषित किए गए हैं, जिसमें अर्जुन अवार्ड है, बाबा साहेब फाल्के अवार्ड है, ऐसे अवार्ड दिए गए हैं। तो इन अवार्ड्स को आप ज़रूर पढ़ लेना, ये अवार्ड्स दिए गए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, फिर से बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है इंडिया के, वो भी पढ़ लेने। जैसे पिछले दिनों में एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था, मैगसेसे अवार्ड इंडिया के 2 लोगों को मिला है, तो वो भी पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ज़्यादा छोटे मोटे अवार्ड किसी न्यूज़ चैनल के, ऐसे ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं। जो नेशनल अवार्ड है वहीं से 1-2 क्वेश्चन आएगा जहाँ तक होगा, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे क्या हेडक्वार्टर है, क्या फंक्शनिंग है, उनमें से पूछा जाएगा। डेज पूछा जाएगा, डेज जहाँ आपकी एग्ज़ाम हो रही है उसके आगे के 2 महीने और पीछे के 2 महीने, ये 4 महीनों का आप देख लीजिएगा, उसके अलावा नहीं आएगा एग्ज़ाम में। मिसलिनियस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कंट्री करेंसी, कंट्री की किसी भी कंट्री कैपिटल पूछ सकते हैं, करेंसी पूछ सकते हैं। कैपिटल करेंसी में क्या है कि बहुत ज़्यादा देश हैं, 200 के आसपास देश हैं, उनकी कितनों की आप कैपिटल याद करेंगे, करेंसी याद करेंगे, और कहाँ तक याद करेंगे, और कब तक आपको याद रह पाएगी। इसलिए क्या होगा कि आप उसको बार बार भूल जाएंगे। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, कैपिटल और करेंसी किसी भी कंट्री की, पिछले 3 महीने में जो जो कंट्रीज़ न्यूज़ में चल रही है, जहाँ पे पीएम मोदी अपनी यात्रा करके आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऑफिशियल मीट्स करके आ रहे हैं, जो सम्मेलन हो रहे हैं उन पे कहाँ कहाँ के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, उन सारे देशों को जो कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया, या फिर कोई देश किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो जो देश पिछले 3 महीने में न्यूज़ में चल रहे हैं उनकी कैपिटल और करेंसी के बारे में आपको पढ़ना है। सेम CM और गवर्नर के बारे में पढ़ना है। पिछले दिनों 3 राज्यों के गवर्नर चेंज किए, नजमा हेपतुल्ला बनाई गई एक जगह की, बनवारी लाल एक जगह बनाए गए हैं, ऐसे ही 3 गवर्नर चेंज हुए, जैसे गुजरात के नए CM बने,
आनंदीबेन पटेल ने रिजाइन कर दिया है और अपने नए कोई रूपानी साहब हैं वो उनको नया सीएम बनाया गया है। ऐसे ही जो 3 महीने के न्यूज़ में जो सीएम गवर्नर कैपिटल करेंसी जो कंट्री चलती है उनकी कैपिटल करेंसी ये आपको पढ़नी है, हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी आपको पढ़ने हैं। डेज पहले बता दिया, डांस भी कौन से स्टेट का कौन सा फोल्क डांस है, शास्त्रीय संगीत, संगीत मतलब संगीत के बारे में भी आ जाता है, और डांसेस डांसेस मेन आते हैं जैसे कथकली डांस है कर्नाटका का, ऐसे ही डांसेस आ जाते हैं। डैम्स और पावर प्लांट, डैम्स और पावर प्लांट के बारे में भी बताना चाहूँगी, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इनको भी सबको याद करना पॉसिबल नहीं रहा है, वैसे कोशिश करना सबको याद कर पाएँ। लेकिन जो डैम्स और पावर प्लांट नए हैं, नए बन रहे हैं, जिनके अभी उद्घाटन हुए हैं कुछ दिनों पहले, और जो न्यूज़ में चल रहे हैं किसी न किसी वजह से, उनको ही आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। बुक्स एंड ऑथर, वही बात पिछले 3 महीने की। गवर्नमेंट स्कीम्स, इसमें आप पिछले 6 महीने तक स्कीम्स देख सकते हैं, लेकिन स्कीम्स को पूरा डिटेल में पढ़ना है, स्कीम्स डायरेक्ट नहीं आएंगी, ये चीज़ ये स्कीम किसके लिए है ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें कुछ अंदर की कोई चीज़ पूछेंगे, तो गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। समिट ऑपरेशन कमेटीज़, जैसे काले धन पे कोई कमेटी बनाई गई या फिर और कोई कमेटी बनाई गई, कोई ऑपरेशन हुआ है जैसे संकट मोचन ऑपरेशन हुआ है अभी थोड़े दिनों में, अपने जो फंसे हुए विदेश में एक जगह फंस गए थे अपने भारतीय नागरिक उनको निकालने के लिए, समिट्स कहाँ कहाँ पे समिट्स हुए हैं, वहाँ पे कौन कौन से देश आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे आसान पोर्शन है ये। जीडीपी प्रेडिक्शन, जैसे वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी प्रेडिक्शन किया और कोई ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी प्रेडिक्शन किया, वो पढ़ना है। रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी के ऊपर रैंकिंग निकाली हुई, अपना देश कहाँ पे पॉवर्टी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसी कोई रैंकिंग पिछले 3 महीने में निकाली है तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फोर्ब्स, फॉर्च्यून जैसी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी रेपूटेड मैगजीन्स हैं, वो बार बार में लिस्ट निकालती रहती हैं, कभी 100 टॉप इंडस्ट्री की लिस्ट निकाल दी, कभी सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट निकाल दी, तो उनमें भारत के कितने लोग हैं, कौन कौन सी उनकी रैंकिंग है और टॉप किसने किया है, ये आपको 3 चीज़ें इसके अंदर देखनी है। एब्रीवेशन में से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, डिफेंस में जैसे कोई आपका कोई ऑपरेशन हुआ डिफेंस का, या फिर किसी के साथ मिलके कोई सैन्य अभ्यास हुआ, कोई सेना का मिलिट्री आपस के अंदर कोई भी दो जैसे चाइना इंडिया ने मिलके कोई मिलिट्री का अभ्यास किया, ठीक है, कोई प्रैक्टिस की, उसके बारे में कोई भी न्यूज़ आ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही नासा में, नासा ने, इसरो ने कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, क्या क्या उनकी मतलब डिटेल्स हैं, वो सारे ज़्यादातर इसरो से क्वेश्चन आते हैं अपने इंडिया के एग्जाम से, लेकिन नासा और जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेस के लिए काम करते हैं उनके भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इस पोर्शन में अगर आपसे पूरा भी नहीं पढ़ा जाए तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने जरूरी है, जल्दी आ जाएंगे। पहला पॉइंट, बैंकिंग अवेयरनेस, आप अगर 8 से 10 घंटे में इस पूरे पोर्शन को कर सकते हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे तो ये पोर्शन हो जाएगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स, रियो ओलंपिक, ओलंपिक 2 घंटे में पूरा पढ़ सकते हैं, 10 घंटे हो गए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2 घंटे में पूरे पढ़ सकते हो, 12 घंटे हो गए। क्वेश्चन कितने हो गए, 12-13 क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन हो गए, ये आपके 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के हो गए, 2 क्वेश्चन अवार्ड्स एंड ऑनर ऑनर के हो गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1 घंटे में याद की जा सकती है, 1 क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा आप गवर्नमेंट स्कीम पढ़ सकते हैं, समिट ऑपरेशन पढ़ेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस, मतलब यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन, तो आप अगर 10 दिन अच्छे से पढ़ लें मन लगा के जीके को, तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। इसलिए इस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्शन में सबसे बड़ा हाथ इसी सेक्शन का होता है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इस सेक्शन पे। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। इंग्लिश का सिलेबस सेम है जैसे और एग्जाम्स में आता है, रीडिंग कंपैरिजन, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, पैराजम्बल, मिसलिनियस, फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल मीनिंग, एरर रिपोर्टिंग, इन सब के क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कंपैरिजन वही एक पैसेज आएगा, उसमें से 5-7 पैसेज के बारे में क्वेश्चन होंगे और 2-3 सिनोनिम्स एनोनिम्स होंगे। क्लोज टेस्ट में वही ये सब चीज़ों के बारे में आपको तो पता है, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें इंग्लिश के बारे में डिस्कस सीखना चाहूँगा। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ऐसा टूल क्या है अपने पास जिस टूल को इस्तेमाल करके अपन मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, कोई रूल नहीं चलता इनके अंदर, थोड़ा एरर स्पॉटिंग में ग्रामर चल जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में चल जाता है अगर कोई ग्रामेटिकल फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो, बाकी सब जगह वोकैब काम आती है। पैसेज में वोकैब क्लोज, पहले 2 पॉइंट में 20 क्वेश्चन हो गए अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो, फिर पैराग्राफ कंप्लीट के अंदर 5 क्वेश्चन हो गए अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो, क्योंकि वही
पैराजम्बल अगर आपको वो कैब अच्छी आती है तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा सेंटेंस अरेंज करना है, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी चीज़ों में। तो वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैब के लिए हम 100-100 वोकैब के 30 पार्ट बनाएंगे, उसमें आपको हर हर वीडियो में 100 वोकैब की ट्रिक्स मिलेंगी। एक जनरलाइज व्यू में किसी चीज़ को दिखाकर, किसी वीडियो को दिखाकर हम आपको वोकैब याद करने की कोशिश कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको उन वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। पीछे जो अपन ने जीके का सेक्शन किया है उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ समझने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत है। उसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि कंट्रीज़ जो न्यूज़ में रही हैं कौन कौन सी रही हैं, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो हम आपको निकाल के देंगे। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जीके के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप हमसे अपडेट रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेल पर हमारे वीडियोज़ के बारे में डिटेल्स मिलते रहेंगी और आपके यूट्यूब के होम पेज पर भी आपको वीडियो यहाँ कहीं दिखती रहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हिंदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी का सिलेबस में मैंने क्वेश्चन वाइज डिवाइडेशन नहीं किया है। इसमें जैसे इंग्लिश का पैटर्न इंग्लिश में आता है, वही सेम पैटर्न रहता है वो हिंदी में आ जाता है। इसमें हिंदी में थोड़ी सी ग्रामर ज़्यादा आ जाती है, तो जैसे रीडिंग कंपेरिजन के जरिए इसमें पद्यांश आ जाएगा, एक एक पैराग्राफ दे देंगे हिंदी के अंदर, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे, मुहावरे पूछ लेंगे, वाक्य सुधार पूछ लेंगे। वही जैसे इंग्लिश का सिलेबस है वही सारा हिंदी में सेम सिलेबस आ जाएगा। 2015 की कट ऑफ के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की जो कट ऑफ है वो इंडिविजुअली आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं टोटल कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ, 80 नंबर गई है दोनों की। जनरल के बारे में बात कर लेते हैं, इस बार आप बिल्कुल भी ये सोच के मत चलना कि 80 नंबर ही जाएगी। 120 नंबर की आपको प्रिपरेशन करनी है, मोर देन 110 नंबर आपको लेके आने हैं तभी आप अपना जॉब सिक्योर मानिए, वरना मत मानिए। 120 सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से। 120 के लिए तैयारी कीजिए, 110 से ऊपर नंबर लाइए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 120 आपको मार्क लेके चलना है कम से कम। कैसे प्रिपेयर करें उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी भी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, कैसे भी पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट। स्मार्ट वे में स्टडी करो, आप स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क भी करो, प्लानिंग के साथ करो, जिससे टाइम पे आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो पाए, सारी चीज़ें आप पढ़ पाएँ, कुछ छूटे ना और ज़्यादा ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। अपडेट योर सेल्फ का मतलब है पेपर्स पढ़ते रहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या इकोनॉमी की न्यूज़ चल रही है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, जिससे आप अपडेट रहेंगे। कुछ सब्जेक्ट में जैसे कोई नया मेथड आया है किसी क्वेश्चन का, जिससे जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, तो उस मेथड से अपडेट रहिए। अपडेट योर सेल्फ मेन जीके के संदर्भ में था ये पॉइंट, जीके से आप अपडेट रहिए। जनरल नॉलेज टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, ऐसे नहीं यहाँ वहाँ हाथ मारे, एक टॉपिक को पहले अच्छे से कीजिए, उसकी 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में स्पीड टेस्ट देना चालू कीजिए, उसके बाद में एनालिसिस चालू कीजिए। तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। मार्क मेक जीके ए वेपन, आपको जीके इतना मजबूत कर लेना है कि वो तो मेरा हथियार है, कुछ भी नहीं चलेगा वो हथियार तो चलेगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपको याद है, तो आप वो क्वेश्चन 100% आपको मार्क्स। मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, रीजनिंग में कोई मिस्टेक, जीके में अगर आपको याद है अच्छे से तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपको वो क्वेश्चन मार्क्स दे के जाएगा। इसलिए इसको आप एक ऐसा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको औरों से बहुत आगे ले जा सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा जीके हो सकता है उतना पढ़िए, स्मार्ट वे में पढ़िए, बहुत ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको ऊपर गाइडलाइंस बताई उस हिसाब से जीके को पढ़िए, मैक्सिमम 3 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कितने घंटे आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो उसको टाइम फिर भी दीजिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन थोड़ा कम टाइम दीजिए, उसका टाइम कहीं और लगाइए। जैसे आपका जीके कमज़ोर है तो जीके को ज़्यादा टाइम दीजिए, मैथ्स कमज़ोर है मैथ्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। दूसरा ये आता है एग्ज़ाम के रिसेप्शन से, कि एग्ज़ाम में कितना टाइम कौन से पोर्शन को देना है, क्योंकि यहाँ तो डिवाइडेशन तो है नहीं कि भाई इतनी देर में रीजनिंग करना है, यहाँ तो आप कहीं पे भी कितना भी टाइम लगा सकते हो, पूरे 2 घंटे रीजनिंग करते रहो कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए स्पीड टेस्ट आपको देना है, कोई भी बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कितना टाइम कहाँ पे देना चाहिए। अब वो एक जनरल परसेप्शन होता है, लेकिन आप खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, वो आएगा जब आप ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, उससे टाइम मैनेजमेंट का आपको पता चलेगा। मॉक टेस्ट के साथ ट्रायल कीजिए, हर मॉक टेस्ट के बाद में अपनी गलतियाँ निकालिए कि मैंने कहाँ गलती की, और उसी हिसाब से आगे देखिए। रिवीजन टाइम टू टाइम रिवीजन देखिए। उसके अलावा
प्रॉपर डाइट एंड टेंशन फ्री। टेंशन लेके जो भी लोग भी तैयारी करते हैं उनका पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहता और सारा वॉश हो जाता है एक बार में। प्रॉपर डाइट इसलिए कि अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे हेल्दी नहीं रहेंगे तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे कुछ। लास्ट मॉक टेस्ट आपको अपने खुद के वे में इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे, तो मॉक टेस्ट देते रहिए। हर मॉक टेस्ट को सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना है इसलिए ले दें, उसको एक्चुअल एग्ज़ाम की तरह दीजिए। ये टेस्ट आपको ये बता देंगे कि आपको कैसे बेहतर बनना है, कैसे आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना है। आपकी कमियाँ बताएंगे, उन कमियों को सुधारते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। हर टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, कहाँ पे क्या मिस्टेक की। सारे टेस्ट से सीखिए, अपने मिस्टेक से सीखिए, उनको रिपीट मत करिए बार बार में। आपके स्ट्रेंथ एरिया को समझिए, आपके जिस एरिया में आप स्ट्रांग हो, जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो उसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। उसको समझने के लिए आपको बार बार टेस्ट देने पड़ेंगे। व्हाट्स ओवर मे बी द स्टोरी, डोंट लूज होप इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। कोई भी स्टोरी हो उसका मोरल यही होता है, कभी भी होप लूज नहीं करनी चाहिए। इसलिए जैसे गाइड किया है उस तरीके से तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी होप लूज मत करिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बिलीव इफ नॉट एस हु, अगर हम ही नहीं है तो कौन लगेगा। इफ नॉट नाउ देन वेन, कब करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट वीडियोज़, हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको दो फायदे होंगे। पहला, हम कोई भी नई वीडियो डालेंगे, जैसे वोकैब के बारे में डालेंगे, जीके के बारे में डालेंगे, उसकी अपडेट्स आपको मेल से मिल जाएगी। या फिर आप दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आप अगर कभी अपना यूट्यूब कहीं इंटरटेनमेंट के लिए खोल रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई हमने नया वीडियो डाला है वहीं पर दिख जाएगा वो, जिससे आप उसको देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर यू।